नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम नजर पकड़ हेडलाइंस काल प्रकाश पाइब अष्टम पीएम किसान सम्मान निधि तालिका चाषी खाता को जीव 19000 कोटी 9 कोटी 50 लाख अन्नदाता मिल लाभ दिन 11 भिसी जरिया घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री। अच्छा परवर्ती खबर को घुंचिला सिविल सर्विस परीक्षा अक्टोबर 10 तारीख में सिविल सर्विस परीक्षा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी प्रिलिमिनरी परीक्षा को घुंचा जाइए। पूर्व जून 27 परीक्षा होगा थिला एवं अक्टोबर 10 को परीक्षा तारीख परिवर्तन करा जाइए। एने सूचना दिया जाइए यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन। चाषीों पर खुशी खबर काली प्रकाश पाइब अष्टम पीएम किसान सम्मान निधि तालिका चाषी खाता को जीव 19000 कोटी 19 कोटी 50 लक्ष अन्नदाता 9 कोटी 50 लक्ष अन्नदाता मिल लाभ आसंता काली दिन 11 भिसी जरिया घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अष्टम किस्ती कृषक मैंने उत्साह सहित अपेक्षा करते प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षर एने सूचना दी जा। कोरोना संक्रमण पूर्व अपेक्षा सामान्य कमी एवं संक्रमण फ्लाट रही आगर 12000 रही वर्तमान 10000 ट्रेंड में चली तेणु समस्ते कोविड गाइडलाइन को कड़ाकड़ी भाव पालन करने दरकार कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक लक्ष्मी दसाओ से गाँव में संक्रमण प्रसंगे से कहते गाँव लोक मैंने भी सहर को जावास कर छोट छोट मेला महोत्सव भी करोड गाइडलाइन को मानुना सेपटे जदि 19 तारीख भितर कोरोना नियंत्रण को न आसला तेज सरकार बाध्य लॉकडाउन अवधि वृद्धि कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक। झारपड़ा जेल में पसला कोरोना जेल रु बाहर दुई अभियुक्त कोरोना पॉजिटिव थी जमापड़ दुई आक्रांत जेल 20 नंबर सेल रोते सेल प्राय रही 80 कैदी जहाक नहीं बड़ संक्रमण आशंका रही भितर किसी कैदी कोरोना लक्षण देखा विशेष सूत्र खबर मिली। दाबी पूरण नहले बंद हेब मेडिसिन दुकान एभली चेतावनी देछि खोर्धा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट आसोसिएशन संघर दाबी सेमानको मिलु कोरोना योद्धार मान्यता गत वर्ष 100 रु अधिक सदस्य और कर्मचारी कोरोना रे जाइछि जीवन लॉकडाउन बेले भी समस्त सदस्य लोकंकु सेवा जगै आछन्ते तेबे वर्तमान कोरोनार द्वितीय लहर अधिक संकीन हेबा लागिछि तेणु वर्तमान समय रे सेमानको कोरोना योद्धा घोषणा करन्तु राज्य सरकार एवं स्वतंत्र और अग्राधिकार भितिरे टीकाकरण दाबी उठाई संघ शीघ्र निष्पत्ति न नेले अनिच्छा सत्वे समस्त व्यवसाय प्रतिष्ठान बंद रखा चेतावनी दिया जाए। जेहेतु एते विपद भितर आम निरविच्छिन्न सेवा जोगे आसु एटा गोटे देखो आमर आज मुझे कहूँ लास्ट 4 दिन है बहु सदस्य मैंने फोन कले आमको आज दुकान खोलने आम सुरक्षित मन करूनु आम कह कथा आम जो जीवन को बाजी लगे ये कम करुचु कौन पाई आमको गोटे फ्रंटलाइन योद्धार स्टाटस न दिजिव सरकार कहीपर कि आमको छाड़ी वर्तमान जो स्वास्थ्य सेवा चली कोरोना टाइम पर्टिकुलरली आमको छाड़ी ए स्वास्थ्य सेवा दबा जदि संभव तेल आमर किसी कहार ना कि आमर संपूर्ण हक अच्छी संविधान अनुसार आम कौ भारत संविधान अनुसार आम राइट आम फाइट कर आम बारंबार चीफ सेक्रेटरी की लिखिलु एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी हेल्थ दायित्व अच्छा प्रदीप्त महापात्र भी लिखिलु बीएमसी कमिशनर को लिखिलु जिलापाल जनइलु किंतु कौन सी प्रकार उत्तर व आश्वासना आज पर्यंत आमको मिलला ना तेणु आमर सरकार को सीधा सीधी कह कथा आमर जो राइट टू लिविलहुड अच्छी आमर जो राइट टू हेल्थ अच्छी आम भी आम अनुसार आम डिक्लेयर करू तेणु तुरंत आमको जदि कोविड वारियर जोटा कहते कोविड योद्धा ए युद्ध में आम सामिल अच्छु जदि आमको फ्रंट लाइन कोविड वारियर भितर से मैंने डिक्लेयर न करती आम बाध्य सदस्य मान जो चाप पड़ी आम खूब शीघ्र डिसीजन नबू जे आम बाध्य सब सटर डाउन कर
बदलिले झारपड़ा जेल सुपरिटेंडेंट धीरेन्द्रनाथ बारिक को बदली कर सरोज कुमार विश्वाल होती झारपड़ा जेल नुआ सुपरिटेंडेंट झारपड़ा जेल अनेक समय अव्यवस्था सामनाक आसला आज सकाले एक वीडियो वायरल होता गंजे टाणी कैदी मैंने खुलमखुला नाच गीत माति नाच गीत माति कैदी मैंने पूरा बेहोश थे खाली से नुहे से जेल भितर कैदी मैंने संकीर्तन करने सहित गंजे धूआ उड़ाई वीडियो वायरल होगापर जेल सुपरिटेंडेंट बदली होती तेज यह अनेक प्रश्न सामनाक आ जेल भितर प्रकृत में चली कौन जेल भितर के श्रृंखलित कैदी मैंने पणा संक्रांति में नाच गीतर आसर जमी कहुच्छे से जेल वार्डर कैदी टंका नेउथवा दृश्य कैमेरा कैद हो तेज एटी प्रश्न उठू जेल भितर को गंजे गला केमी जेल भितर संकीर्तन कर कैदी गंजे टाणुते जेल कर्तृपक्ष जापारे ना केमी बारंबार जेल भितर एपरी घटना सामनाक आसे आज जेल सुपरिटेंडेंट बदली कर हटाई दि जाए राजधानी जेल भितर जदि एपरी घटू तेज अगर जेल स्थित कौन थी साधारण अनुमेय वर्तमान कोविड पाई वर्तमान मुलाकात बंद कराई यहाँ प्री कोविड पीरियड जो भिडियो आसा विभिन्न जगह पोटिक रखिथे विभिन्न जगह आम सर्च कमिटी स्टाफ मैंने तेणु कहार जदि से कर्मचारी कहार आम इनक्वारी चलती आसा पिलांको टीका ट्रायल को अनुमति भारत बायोटेक को कोवैक्सीन टीका ट्रायल पर अनुमति 2-18 वर्ष वयस्कों को टीका ट्रायल पर अनुमति मिली द्वितीय और तृतीय फेज क्लिनिकल ट्रायल पर अनुमति देला डीजीसीआई 525 जन स्वेच्छासेवी परीक्षा कर बढ़िपे कोविशिल्डर दुई डोज मध्य व्यवधान प्रथम डोज पर 12-16 सप्ताह व्यवधान रखा एनटीएजीआई सुपारिश से करोनारु भल होबार 6 मास परे कोरोना वैक्सीन ने कह टेक्निकल कमिटर दाबी अनुसार करोनारु सुस्थ होबा परे शरीर में 6 मास पर्यंत प्राकृतिक आंटीबॉडी रहीपे से सुस्थ होबार 6 मास परे टीका ने सुपारिश कर गर्भवती महिला प्रसव पर वैक्सीन दि जाए रक्त झुड़ुबुड़ अवस्था महिला मृतदेह उद्धार पारिपार्श्विक स्थित हत्या सन्देह गजपति जिला पारालांखेमुंडी थाना नरहरीपुर गांव में घटी घटना एक घर नर्सरी कोठार महिला को मृतदेह ठाब करती पारालांखेमुंडी पुलिस मृतक सेरंग थाना मुनिसिंह गांवर अंबिका सबर एवं प्रश्न उठू महिला जनक मुनिसिंह गांव नरहरीपुर किपर आसले किए हत्या कला केमी कला हत्याकांड पछे कारण कौन रही साइंटिफिक टीम पुलिस एसबू दिगक नहीं तदंत चल राज्यर 4 जिले में 550 बेड सहित आनुषंगिक व्यवस्था करने को एमसीएल को निर्देश संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा अनुगुल जिले में व्यवस्था करने को निर्देश देते केन्द्र कोईला खणि मंत्री ओडिशार स्वास्थ्य सेवा को गुरुत्व देउथवारु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोईला और खणि मंत्री प्रहलाद जोशी को धन्यवाद जनाइछन्ति केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गत 7 तारीख में केन्द्र और कोईला खणि मंत्री को पत्र लिखि संबलपुर जिले में 150 ऑक्सीजन संयुक्त बेड पर अनुरोध करते धर्मेन्द्र यह सहित सुंदरगढ़ बसुंधरा और झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर कोविड हस्पिटाल 50 लेखाएं ऑक्सीजन संयुक्त बेड प्रतिष्ठा करने को अनुरोध करते झारसुगुड़ा लखनपुर कोविड हस्पिटाल और अनुगुल जिला तालचेर एमसीएल कोविड हस्पिटाल 150 लेखाएं ऑक्सीजन संयुक्त बेड आईसीयू और भेंटिलेटर व्यवस्था करने पत्र लिखिथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अनुरोध को प्राथमिकता देवाक एमसीएल को केन्द्र खणि और कोयला मंत्री निर्देश देते केन्द्रमंत्री अनुरोध पर झारसुगुड़ा लखनपुर हस्पिटाल 20 आईसीयू समेत 120 बेड व्यवस्था कर ओडिशा कोविड 19 परिचालन 140 कोटी टंका खर्च कला एमसीएल राज्य में 1,00,000 टपिला आक्टिव केस प्रथम थर पर राज्य में 1,00,000 पार कर आक्टिव केस संख्या वर्तमान राज्य में आक्टिव केस संख्या 1,13,000 पहुंची से राज्य में 10,000 पार ट्रेन में लगुनि ब्रेक 24 घंटे 10,650 नुआ आक्रांत चिन्हट होती खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1,557 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले कटक 930 और सुंदरगढ़ 774 संक्रमित होती मलकानगिर कंधमाल को छाड़देले बाकी 28 जिले में 3 अंक पर डेली केस रही अनुगुल 557 बालेश्वर 503 संबलपुर 494 पॉजिट होती मयूरभंज 404 बरगड़ 391 झारसुगुड़ 368 और नयगढ़ 357 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होती गत 24 घंटा भितर महामारी नहीं 19 जन जीवन
केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर एक सांबादिक सम्मेलनी कराई कोरोना नहीं सीधा सड़ जा सांबादिक सम्मेलनी को कंटेनमेंट एफर्ट्स वहां पर आज भी चल रहे हैं। तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफी हद तक वहां पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहां एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी वह घटते घटते 19.3% हो गई है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इन एफर्ट्स पर काम करते रहें। कंटेनमेंट एक मुख्य अप्रोच है हमारी जिसके तहत हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। साथ ही हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि क्या जरूरी है कि हम एडवांस एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें ताकि हम केसेस को मैनेज कर पाएं। इस विषय में जैसे कि हमारे मीडिया के कुछ सहयोगियों ने ऑलरेडी इस विषय को हाईलाइट किया है, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई देखी गई तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। साथ ही उन्होंने CSR का पूरा उपयोग करते हुए वहां पर एक न्यू PSA प्लांट का भी ऑर्डर किया जिसको उन्होंने त्वरित एक स्पीड से उसको स्टार्ट भी किया। फिर उसी तरीके से काम करते करते उन्होंने नए सिलेंडर्स का ऑर्डर दिया और उस PSA प्लांट को ऑपरेट करने के कारण से वह उस स्थिति में आ गए कि उन्होंने 15 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हम बेड को प्रोवाइड भी करते हैं तो जैसे हम सबको पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड, तो क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक से की तो उसके कारण वह 15 दिनों के अंदर ही अपने बेड को 3 गुना बढ़ा पाए। और साथ ही उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ, आज उनकी सिचुएशन यह है कि वहां पर ऑक्सीजन बेड और ICU बेड्स अवेलेबल हैं, वेकेंट अवेलेबल हैं। उसके साथ ही उन्होंने CSR को भी यानी कि पब्लिक माइंडेड इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट करते हुए एक स्थाई पर RNA एक्सट्रैक्शन मशीन, दूसरे स्थाई पर वेंटिलेटर्स, हाई फ्लो नेजल कैनुलाज और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उन्होंने जिला स्तर पर ऑर्गेनाइज किए। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई जो कि पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एज पर नॉर्म्स होते हैं वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हमें हमेशा हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077 जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो उसका वह रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट टू यू कि आज जब एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर हम लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को फिजिकल डिस्टेंसिंग के थ्रू तोड़ें, जिसके विषय में मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा कि अगर एक आदमी पॉजिटिव है और वह अपने आप को प्रॉपरली आइसोलेट नहीं करता तो वह अपने संपर्क में आने वाले सभी आदमियों को पॉजिटिव करता जाता है और यह एक चेन के रूप में आगे बढ़ता रहता है जिसमें कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इससे करके 8 से 16 और 32 एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यह इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो क्या जरूरत है, क्या हम करें कि जिससे हम इस इन्फेक्शन के स्प्रेड होने को रोक सकें। हम आपसे हमेशा इस विषय में रिक्वेस्ट करते आए हैं, सबकी नॉलेज में लाते लाए हैं और पिछले एक साल से देश में हर नागरिक ने हमें सपोर्ट दिया है कि हम इस पर काम करते हुए रहें। लेकिन क्योंकि कुछ हद तक जैसे केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है और साथ ही हाइयर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नोट किया जा रहा है तो हमारी आप सबसे विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोसेस को हम बिल्कुल ना भूलें। हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है तो जो पॉजिटिव पेशेंट है वह प्रॉपरली आइसोलेट हो, वह अपने घर में आइसोलेट होकर रहे, अपने घर के बाकी मेंबर से आइसोलेट होकर रहे ताकि हम उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़कर बीमारी को फैलने से रोक सकें। यह हमारी रूट कॉज अप्रोच होनी चाहिए जिसके तहत ही हम ओवरऑल कोविड की इस महामारी से जीत सकते हैं। इसी विषय में अंत में मैं आप लोगों के सामने एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकना जो है वह हम सबके लिए कलेक्टिव करने वाला एफर्ट्स है। एक स्थाई पर सरकार, एक स्थाई पर हर कॉमन मैन, हर सिटीजन, हम मिलकर काम करें तो जब हम आई और यू यानी कि हम आप और हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे तभी हम इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। इसके लिए आप सबसे सहयोग की फिर से अपेक्षा करते हुए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए
इसी तरीके से काम करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू लाल। अब इस प्रेस ब्रीफिंग के दूसरे चरण में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे सबके साथ। इस ग्राफ में हम ये दर्शा रहे हैं कि कोविड 19 वैक्सीन की डोजेस बड़े देशों में कितनी एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में लगभग 18 करोड़ के करीब डोजेस वितरित हो चुकी हैं, लग चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में कोई 26 करोड़ के करीब है और चाइना का डेटा अपने तरीके से दिखाता है कि उससे हायर है। तो तीसरे नंबर पे है देश। ये नैरेटिव भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। दूसरे नैरेटिव आते हैं वो भी सही हैं, हम उसको पूरी विनम्रता के साथ मानते हैं, वो डिस्कोर्स भी वैलिड है, लेकिन देश के लिए ये नैरेटिव भी एक पॉजिटिव नैरेटिव जो है, गर्व करने वाला जो नैरेटिव है, ये भी एक सच्चाई है। ये ग्राफ सब लोग सारी दुनिया में देखते हैं। ऑफ ऑल द वैक्सीन्स एडमिनिस्टर्ड इन द वर्ल्ड 13% वैक्सीन्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड इन आवर कंट्री। और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जो रफ्तार की बात होती रहती है, इतने बड़े देश ने करके दिखाया कि 17 करोड़ का मार्क हमने सबसे कम टाइम में करके दिखाया, सब मुश्किलों के बावजूद भी, दूसरी वेव के आने के बावजूद भी, और ये रफ्तार किसी भी देश से तेज रही है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ह्यूमिलिटी से कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों को भी हम, इनके ऊपर भी गर्व करें। और जिन लोगों ने ये संभव करके दिखाया है, जिस सिस्टम ने इसको संभव करके दिखाया है, उसके प्रति हमें शाबाशी देने की भी ज़रूरत है। ये हर वर्कर का काम है, ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, हर व्यक्ति का काम है। एलिजिबल लोग जो आए, उनकी कंट्रीब्यूशन है, देश की कंट्रीब्यूशन है, देश की अचीवमेंट है। ये आप जानते हैं कि जैसे शुरुआत हुई, प्रायोरिटी ग्रुप से शुरू किया गया 16 जनवरी को, और चलते चलते फेज़ टू में जो मोर देन 60 ईयर्स और कोमोबिलिटीज़ को लिया गया, फिर मोर देन 45 को लिया गया, और अब ये ऑप्शन भी दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहें तो 18 से 44 साल के व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगा सकते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से अप टू फेज टू फ्री सप्लाई ऑफ वैक्सीन हो रही थी सारे देश में, और वो कंटिन्यू है। वो जो स्टेट्स के लिए प्रोक्योर किया जाता है, 50% की जो प्रोक्योरमेंट है, वो राज्यों के लिए ही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने लिए नहीं है। वो सिर्फ प्रोक्योर करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट अपना ड्यूटी बाउंड प्रोक्योर करके अपने बजट से स्टेट्स में, ज़िलों में, धरातल तक पहुंचा रहे हैं। ये नैरेटिव भी हमें प्रस्तुत करना है। ये राज्य ही हैं और ज़िले की व्यवस्था है, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जनता तक, भारत की जनता तक, हम सब तक ये वैक्सीन पहुंचाते हैं। ये दिखा चुके हैं लव, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो काफ़ी हद तक जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का काम है, वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, दूसरी डोज भी, और ये तो अचीव हो ही गया है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि 18 और 44 तक जिन प्रदेशों ने इस चीज़ को अलाउ किया है, वहाँ भी वो पिकअप हो रहा है। मैं आपकी तवज्जो दिखाना चाहूँगा इस डेटा पे। बीच में ये डेटा है कि एक डोज 45 की पॉपुलेशन के ऊपर कितनों को मिल गई, हाउ मेनी पीपल अबव द एज ऑफ 45, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल अबव द एज ऑफ 45 एंड अबव have received single dose of vaccine. Single dose is protective to a large extent. You need the second dose. We can talk about that. एक dose किसको मिल गई, कितनों को मिल गई? 45 और उसके ऊपर की जो number है हमारे देश में, वो 34 करोड़ है लगभग। मुझे फील करते हुए गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि one third of द
the population 45 and above in this vast country has received at least one dose. और अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके लेफ्ट साइड में, अगर देखिए आप हिमाचल में 70% जो हैं उन्होंने कवर करके दिखाया है, लद्दाख ने 85% कवर करके दिखाया है, राजस्थान ने देखिए बड़ा प्रदेश है 58% कवर करके दिखाया है, उत्तराखंड ने 54%, थोड़े ऐसे प्रदेश भी हैं जो एवरेज के नीचे हैं, लेकिन एज अ नेशन वन आउट ऑफ थ्री। और एक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है अभी 4 महीने पहले ही शुरू हुई आप जानते हैं, और ये सारा जो है करके दिखाया देश में बने हुए वैक्सीन से करके दिखाया, क्योंकि बाहर के वैक्सीन की ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर मैं बाद में भी आऊँगा कि सब जगह मिल रहा है, जितना मर्जी ले लो, देश के पास था तो पहुँचा, जितनी सप्लाई है उसकी एक एक बूंद देशवासियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है सबके सहयोग से। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर हैप्पी टू रिपोर्ट दैट 1/3, लगभग एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ 45 एंड अबव आर प्रोटेक्टेड। 45 एंड अबव एज ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट्स 88% ऑफ डेथ्स, सो यू कैन इमेजिन हाउ मच डेंट इट वुड हैज मेड टू reducing the risk of death to this of this very at risk population. I would like to show here that our responsibility to give the second dose wherever due is very profound and important, and we need cooperation of people, cooperation of state governments. We are showing here beech mein India jahan dikh raha hai center mein ki jinki second dose due hai usme se 50% ko mil gayi hai, 50% को मिलना है। ये हमें दर्शाता है कि हमें इस तरफ और कोशिश करनी होगी, सप्लाई साइड से भी, अवेयरनेस की साइड से भी और डिमांड साइड से भी। पर ये भी आप देखिए कि लेफ्ट साइड के बॉक्स में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ने 70% से ज़्यादा एलिजिबल जिनकी डोज हो गई थी उनको टीका लगा दिया है। सो वी रिक्वेस्ट पीपल टू सीक द सेकेंड डोज। We request state governments to kindly focus specifically on the second dose, ताकि उनका कोर्स पूरा हो जाए। बात होती रहती है कि वैक्सीन डोजेज कितनी आई, कैसे गई, कुछ बताया भी गया है, आज उसको एक किस तरह से दर्शा रहे हैं। तो ऊपर से शुरू करते हैं, जो अभी तक 35.6 करोड़ वैक्सीन डोजेस हैव बीन प्रोक्योर्ड। सबसे पहले देखिए पीएम केयर फंड के अंतर्गत 6.6 करोड़ डोजेस को प्रोक्योर किया गया, 5.6 कोविशील्ड और 1 करोड़ को वैक्सीन इसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं। गावी को सीरम ने जो सप्लाई किया, जो उनका वायदा था उनके साथ, उसमें से हमें 1 करोड़ कोविशील्ड मिला और इसको इस्तेमाल कर लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेज टू को में प्रोक्योरमेंट में 12 करोड़ डोसेस को प्रोक्योर किया, 10 करोड़ कोविशील्ड की और 2 करोड़ कोवैक्सीन की। इसमें से 86% जो है दैट हैज बीन रिसीव्ड और बाकी जो है वो एंड मे तक पहुंच जाएगा और लग जाएगा। थर्ड फेज में भारत सरकार ने 16 करोड़ डोज को प्रोक्योर किया, 11 कोविशील्ड और कोवैक्सीन 5 करोड़। ये सप्लाई मई से शुरू है और ये जुलाई तक चलेगी। ये हमारी फॉरवर्ड प्लानिंग का हिस्सा है, ये पेमेंट भी हो गई है और ये सप्लाई चल रही है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अभी तक 35.6 करोड़ डोसेस को प्रोक्योर किया गया भारत सरकार की तरफ से, 27.6 करोड़ कोविशील्ड, 8 करोड़ कोवैक्सीन। इसके अलावा 16 करोड़ और डोजेज हैं जो कि स्टेट्स ने और प्राइवेट सेक्टर ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने नई नीति के अंतर्गत प्रोक्योर की हैं और वो सिस्टम में है, तो वो उस तरफ 16 करोड़ डोजेज जो हैं वो जा रही हैं। कुल मिला के जुलाई तक अगर हम देखें तो 51.6 करोड़ डोजेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, 51.6 करोड़ डोजेज, विच मीन्स लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को 50 करोड़ की डोजेस अगर वेस्टेज को ले लेते हैं थोड़ा बहुत जितना भी होता है तो ये सामने अवेलेबल है। समझ लीजिए बुलेटिन को रुकिए, नमस्कार।